हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय टेक्निकल क्लासेस। मैं पप्पू कुमार। डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग का एक क्लास हम लोग कर चुके हैं, एक या दो क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग इस क्लास में यूनिट फर्स्ट का ही, देखिए ये यूनिट फर्स्ट का ही है, यूनिट फर्स्ट का इसी में हमको पढ़ना है एक चैनल, ठीक है। इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, चैनल पढ़ना है। इससे पहले हम लोग सिग्नल क्या होता है या कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ये चैनल जो है, हम लोग चैनल जो सुनते हैं वो क्या होता है। देखिए चैनल के अंतर्गत हम लोग चैनल उसको बोलेंगे जिसके माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरे जगह सेंड कर सकते हैं, मतलब उसको भेज सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को। तो देखिए लिखा हुआ है थोड़ी में यहाँ पर, ए कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड द मीडियम टू मूव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू वन और मोर डेस्टिनेशन पॉइंट। क्या बोला गया कि कम्युनिकेशन चैनल जो है प्रोवाइड करता है एक मीडियम को टू मूव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। हम क्या कर सकते हैं, उसके माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को मूव करा सकते हैं फ्रॉम सोर्स, यानी सोर्स से कहां तक, वन और मोर डेस्टिनेशन पॉइंट के पास, ठीक है। कम्युनिकेशन चैनल जो प्रोवाइड करता है एक मीडियम को जिसके माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एक जगह से यानी सोर्स से डेस्टिनेशन के जगह, डेस्टिनेशन के पास क्या कर सकते, उसको पहुंचा सकते, ठीक है। इट इज ए पाथ ओवर विच डाटा ट्रांसफर बिटवीन रिमोट डिवाइस। रिमोट डिवाइस मतलब होता है दूर का डिवाइस, जो दूर में है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिमोट डिवाइस कहेंगे। तो बोला गया इट इज ए पाथ, यह एक रास्ता होता है ओवर विच, जिससे होकर करके डाटा को ट्रांसफर किया जाता है बिटवीन रिमोट डिवाइस, मतलब रिमोट डिवाइस के बीच में डाटा को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो देखिए चैनल जो है मेनली आपका दो तरह का होता है, एक पब्लिक टेलीफोन सिस्टम, मतलब जिसको हम लोग सरकारी कहते हैं, वहाँ पर सिर्फ प्रसारण, जैसे कि आप लोग रेडियो सुनते होंगे, टीवी सुनते होंगे, तो टीवी में कुछ कुछ चैनल ऐसा जो फ्री में आता है, ठीक। तो पब्लिक टेलीफोन सिस्टम एक होता है, एक होता है कॉमर्शियल रेडियो स्टेशन, जहाँ पर हम लोग को कनेक्शन लेना पड़ता है। तो इसका देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चैनल। पहला पॉइंट है इट शुड एबल टू डिलीवर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। बोला गया कि चैनल का कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है, ये ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को क्या कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड नॉट एड मच नॉइज। जो आपका चैनल होता है इसमें कोई नॉइज प्रॉब्लम नहीं आता, मतलब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल अगर आ रहा है तो उस कंडीशन में इसमें कोई प्रॉब्लम हमको नहीं आता, मतलब इसमें नॉइज प्रॉब्लम जो है बहुत कम देखने को मिलता है हमको, ठीक है। तो ये है मेरा चैनल, चैनल क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखें। उसी हम लोग को देखना है एक कि ट्रांसमिशन मोड, देखिए ये एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन मोड क्या है, कितने टाइप का होता है, इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखे हैं ट्रांसमिशन मोड जो है आपका, मतलब किस किस मोड में हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन के पास। तो पहला होता है आपका ट्रांसमिशन मोड में सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स में लिखा है इन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड, बोला सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड में देयर इज वन वे कम्युनिकेशन पॉसिबल। बोला इसमें जो है सिर्फ एक ही वे में कम्युनिकेशन जो है कि पॉसिबल होता है, मतलब अगर सेंडर है तो सेंडर अगर सेंड कर रहा है तो रिसीवर से उसको क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है, वो उसमें दोबारा अगर सोचेगा कि हमको सेंडर को भेजना है तो वो वहाँ पर भेज नहीं सकता। जैसे हम लोग टीवी में न्यूज़ देखते हैं या रेडियो में न्यूज़ सुनते हैं, तो वो क्या हुआ कि मेरा एक सिंप्लेक्स हो गया, ठीक है। देखिए सिंप्लेक्स में इसका हम लोग फिगर बनाते हैं, आप लोग भी फिगर बना लीजिएगा इसको, यहाँ लिखेंगे सेंडर, क्या है ये सेंडर हुआ और इस इधर क्या है रिसीवर, रिसीवर हो गया। तो इसमें जो डाटा का ट्रांसमिशन होगा वन में,
सिर्फ एक ही साइड में, इधर सेंडर वाला जो है सेंड करेगा और रिसीवर सिर्फ उसको क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। अगर ये सोचेगा इसके पास भेजना है तो वो इसमें भेज नहीं सकता है, तो वो क्या हो गया मेरा सिंप्लेक्स हो गया। अगला है हाफ डुप्लेक्स। देखिए हाफ डुप्लेक्स में बोला गया इन दिस मोड बोथ यूनिट्स कम्युनिकेट ओवर द सेम मीडियम, ओनली वन यूनिट कैन सेंड मोड, अदर इज इन रिसीव मोड। ठीक है, आप लोग भी समझ गए होंगे। बोला गया इस मोड में क्या होता है, दोनों यूनिट जो है कम्युनिकेट करता है सेम मीडियम से, जिसके कारण ओनली वन यूनिट कैन सेंड। बोला एक यूनिट अगर सेंड कर रहा है सेंड मोड में है तो दूसरा किस में रहेगा, रिसीव मोड में रहेगा। इसका मतलब हुआ अगर सेंडर सेंड कर रहा है तो रिसीवर उस समय से क्या करेगा, रिसीव करेगा। फिर जो रिसीवर है वो अगर सेंड करना स्टार्ट कर देगा सेंडर के पास में, तो फिर सेंडर क्या करेगा, उसको सिर्फ रिसीव करेगा और रिसीवर फिर उसको सेंड करेगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, यही सेंडर हो गया, ठीक है, और ये क्या मेरा रिसीवर। मतलब ऐसे भी इसमें ट्रांसमिशन पॉसिबल है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाफ डुप्लेक्स मोड। क्या कहेंगे इसको, हाफ डुप्लेक्स मोड। ठीक, पहला में देखिए सिंप्लेक्स का एग्जांपल था, टीवी हो गया और न्यूज जो हम लोग सुनते हैं रेडियो पे, या कोई भी चीज जो रेडियो पे हम लोग देखते हैं, गाना वाना सुनते हैं, वो क्या हो गया मेरा सिंप्लेक्स मोड। और हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, जैसे मोबाइल, मोबाइल में क्या अगर हम बोल रहे हैं सुनने वाला सिर्फ सुनेगा, फिर हम चुप रहेंगे जो सुनने वाला तो वो बोलेगा और हम क्या करेंगे उसको सुनेंगे, तो वो किस में आ गया, हाफ डुप्लेक्स में आ गया। नेक्स्ट आपका फुल डुप्लेक्स, नाम से ही लग रहा होगा, दोनों डायरेक्शन में सेम टाइम में। बोला इन सच केस ए फुल डुप्लेक्स सिस्टम इज यूज्ड दैट अलाउज इंफॉर्मेशन टू फ्लो simultaneously in both directions। बोला कि इस टाइप का जो सिस्टम है ना, फुल डुप्लेक्स सिस्टम का यूज किया जाता है कहाँ पर, जहाँ पर हमको जरूरत पड़ता है दोनों डायरेक्शन में एक ही समय में डाटा को हम ट्रांसफर कर सकें। जैसे देखिए एग्जांपल है वॉकी टॉकी, आप लोग देखते होंगे वो पुलिस शब्द रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉकी टॉकी कहते हैं। इसमें क्या होता है, डाटा को हम लोग दोनों डायरेक्शन में सेम समय में ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो इसका देखिए क्या कैसे बनेगा आपका फिगर, यही हो गया, लेकिन इसमें दोनों डायरेक्शन में देखा, एक ही एरो में दोनों डायरेक्शन में, मतलब साइमल्टेनियसली इसमें डाटा का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो ये है मेरा ट्रांसमिशन मोड, और चैनल क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखें। ठीक, आप लोग इसको अच्छे से अपने नोट्स में उतार लीजिएगा ताकि एग्जाम के समय अच्छे से इसका तैयारी लोग कर सकें। आज के लिए इतना ही, आगे का जो होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।